है भागवत पुराण का, और कुछ किसी को याद है तो बोल सकते हैं। एक और बात, सबसे इम्पोर्टेंट बात बोलना भूल गया मैं, कि भागवत पुराण के बारे में बताया गया है, स्कंद पुराण के अंदर बताया गया है, भारते मानव जन्म प्राप्य भागवतम न यह सुतम पापम। जो भारत में जन्म लिया है और जिसके पास भागवत नहीं है, ये भागवत पुराण नहीं है, उसके अंदर लिखा है परिधान है आत्मघात तूतय कृतः। किसी को समझ में आए? जिसके पास, जो भारत में जन्म लिया है और जिसके पास भागवत पुराण नहीं है, वो आत्महत्या कर रहा है, आत्महत्या कर रहा है। और आत्महत्या करने के बाद क्या योनि प्राप्त होता है, भगवत गीता से आपको पता चलेगा। आत्महत्या करने के बाद आपको बहुत योनि प्राप्त होता है, हम सबको कलयुग में सब ऐसे ही हो रहा है ना। तो अपने आप को बचाइए, अपने परिवार को बचाइए, है ना, सब संभव है। अगर भागवत पुराण हम घर में रखते हैं, पढ़ना शुरू करते हैं, तो अपने आप सब व्यवस्था हो जाएगा। क्योंकि भगवान जहां यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धनुधरा तत्र श्री विजय भूति ध्रुवा नितिर मतिर ममा। जहां भगवान है, जहां भगवान का कथा हो रहा है, वहां पर सब शुभ है। आपके घर में सच में शुभ रखना चाहते हैं, अपने बच्चों को बचाना चाहते हैं कलयुग के भारी प्रभाव से, तो भागवत पुराण रखिए, हरे कृष्ण। अगर आपके बच्चों को चाहते हैं कि वो सिगरेट नहीं पिएंगे, भविष्य में नॉनवेज नहीं खाएंगे, भविष्य में संस्कारी रहेंगे, तो भागवत पुराण होना आवश्यक है, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। श्री प्रभुपाद की जय। हाँ।